6, a charge q is placed at the distance of a horizontal square surface of edge A. कोई स्क्वायर एज है, सरफेस है जिसका एज जो है ए है, और उसके सेंटर से ए बाय टू डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, इसकी वजह से इस सरफेस पे हमें फील्ड निकालना है। अब स्क्वायर सरफेस से इंटीग्रेशन से भी निकालना मुश्किल होगा, सर्कुलर सरफेस दिया होता तो इजी होता इंटीग्रेशन से, तो इसको लिए हम ट्रिक्स यूज करते हैं। स्क्वायर स्क्वायर को हम क्या बना देते हैं, एक क्यूब बना देते हैं, जैसे ये ऐसे दिया होता तो हम इसको एक क्यूब बना देते हैं, ये क्यूब बन जाएगा जिसकी साइड जो है ए है और ये जो है ए बाई टू है। अब ये इस क्यूब के सेंटर पे है, ये जो चार्ज क्यूब है वो इस क्यूब के सेंटर पे है। ये हमने पहले क्वेश्चन किया था, कोई क्यूब हो और उसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हो, उसमें से जो नेट फ्लक्स पास करेगा गोस ला लगाए वो किसके बराबर होता है, ई डॉट डी एस चार्ज इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें से जो फ्लक्स पास करेगा वो किसके बराबर होगा, फ्लक्स थ्रू द क्यूब वो कितना होगा, क्यू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा। कहीं पे भी चार्ज रखते हैं, ये चार्ज तो उसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो यानी जो चार्ज हुआ सिमेट्रिकल है, हर फेस से का से कंपेयर करें तो ये क्या सिमेट्रिकल है, हर फेस से क्या होगा इक्वल फ्लक्स जो है वो पास करेगा। छह फेस है, चार वॉल्स हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, छह फेस है, सभी से इक्वल फ्लक्स पास कर रहा है, एक फेस से कितना पास कर रहा है, बॉटम फेस से या किसी भी एक फेस से, एक सिंगल फेस से कितना पास कर रहा है वो कितना होगा, टोटल का जो है उसका 1/6 पास करेगा, छह में से इतना पास कर रहा है, एक में से कितना पास करेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आसान तरीका था, लेकिन इसको इंटीग्रेशन से करना बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, सर्कुलर प्लेट दी हुई थी होती है फिर इंटीग्रेशन से किया जा सकता, इजीली किया जा सकता था, ठीक।